नमस्कार, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चंबल घाटी के धरातल पर स्थित भारत की ऐतिहासिक धरोहर बटेश्वर मंदिर समूह की यात्रा के लिए। इन मंदिरों का पुनर्निर्माण भारतीय पुरातत्व विभाग के अथक प्रयासों एवं संघर्षों के पश्चात संभव हो सका और इन मंदिरों की इतनी सुंदर संरचना निखर कर आई है कि जिसे आप देखते ही रह जाएं। बटेश्वर के इन मंदिरों का निर्माण आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन में किया गया था और ऐसा माना जाता है कि बटेश्वर के यह मंदिर समूह खजुराहो के मंदिरों से भी लगभग 300 वर्ष पूर्व के हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा इन बटेश्वर मंदिर समूह के लिए और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। बटेश्वर मंदिर समूह देखने के लिए हमको सबसे पहले मुरैना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होता है। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से भी बटेश्वर मंदिर समूह देखने के लिए पहुंच सकते हैं। मुरैना के रेलवे स्टेशन से बटेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जो कि हम टैक्सी या स्वयं के वाहन के द्वारा पूरी कर सकते हैं। हम सभी को जीवन में जब भी मौका मिले तो हमें बटेश्वर मंदिर समूह देखने जरूर आना चाहिए, जिससे कि हम जान सकें कि आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व किस प्रकार से हमारे मंदिरों का निर्माण हुआ करता होगा। बटेश्वर के इन मंदिरों के पुनर्निर्माण में एएसआई के द्वारा इतना सुंदर और आकर्षक कार्य किया गया है कि आप उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इन मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु एएसआई के द्वारा बहुत अधिक प्रयास किए गए, जिसके कारण ही आज हम इन मंदिरों को पुनः उसी स्वरूप में देख पा रहे हैं। यहाँ स्थित लगभग 200 मंदिरों के खंडरों के रूप में अवशेष ही शेष हुआ करते थे, जिन्हें एएसआई ने एक पहेली की तरह लिया और उनको सुलझा कर एक एक कर धीरे धीरे मंदिरों की संरचना पूर्ण करी। आज भी यहाँ पर कई मंदिरों के अवशेष पत्थरों के रूप में पड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मिली हनुमान जी की प्रतिमा पूरी तरह से एक अनोखी प्रतिमा है। इस तरह की प्रतिमा आप कहीं और नहीं देख पाएंगे, जहां पर हनुमान जी के चरणों में रति व कामदेव जी स्थित हैं। हनुमान जी की यह प्रतिमा भी इन्हीं मंदिरों के अवशेष में कहीं पड़ी हुई थी, जिसे एएसआई के द्वारा ढूंढकर पुनर्स्थापित किया गया। बटेश्वर के इन मंदिर समूहों के बीच में आपको एक तालाब भी दिखाई देगा। एक छोटा सा सरोवर कुंड है जो प्राकृतिक रूप से ही जिसमें पानी उत्पन्न होता है। प्रारंभ के समय में जब एएसआई की टीम यहां कार्य करने पहुंची थी तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह क्षेत्र पूरी तरह से एक दस्यु क्षेत्र था और यहाँ पर निर्भय सिंह गुर्जर का भय व्याप्त था, जिस कारण यहाँ पर कार्य करना संभव नहीं हो सकता था। जिसके पश्चात एएसआई की टीम ने निर्भय सिंह गुर्जर की से संपर्क करने के पश्चात ही अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। बटेश्वर के इन मंदिर समूहों को एएसआई ने एक जौहरी की तरह तराशा है और इन्हें इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया है कि जिसे आप यहाँ पर आने के पश्चात ही देख कर अनुभव कर पाएंगे। तो जब भी आपको बटेश्वर आने का मौका मिले या आप मध्य प्रदेश की यात्रा पर आए हों तो बटेश्वर के इन मंदिरों के दर्शन हेतु जरूर जाएं। यह बटेश्वर के प्रमुख मंदिर में स्थापित शिवलिंग है, जिसके आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं। बटेश्वर के इन मंदिरों में आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के मंदिर दिखाई देंगे।
मंदिर निर्माण की इतनी सुंदर स्थापत्य कला है कि जिसे आप यहाँ पर आने के पश्चात ही अनुभव कर पाएंगे। बटेश्वर के इन मंदिरों के निर्माण में ASI के रीजनल हेड KK मोहम्मद जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्हीं के कारण इन मंदिरों का पुनरुद्धार संभव हो सका था, अन्यथा इन मंदिरों को पुनर्जीवित करना संभव नहीं हो सकता था। इन मंदिरों के निर्माण में KK मोहम्मद जी ने बहुत अधिक संघर्ष किया। यह उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज यह मंदिर पुनर्जीवित होकर हम सभी की नजरों के सामने आ सके। बटेश्वर के यह मंदिर समूह भारत के सबसे बड़े मंदिर समूहों में से एक है और इतने पुराने ऐतिहासिक मंदिर भारत में कहीं और नहीं दिखाई देंगे। इन मंदिरों का पुनरुद्धार करते समय KK मोहम्मद जी का यही सपना हुआ करता था कि विश्व भर के पर्यटक यहां आकर हमारी ऐतिहासिक मंदिर धरोहरों की संरचनाओं को देख सकें। भविष्य में बटेश्वर के यह मंदिर समूह एक बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में उभर आएंगे। बटेश्वर के इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करते समय ASI के द्वारा पत्थरों को जोड़ने के लिए एरेलाइट व स्टील का प्रयोग किया था, जिससे कि यह मंदिरों की संरचना मजबूत हो सके। इन मंदिरों के ध्वस्त होने के कारण 1300 शताब्दी में आया हुआ भूकंप को माना जाता है, जिसके पश्चात यह सभी मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे व इनके अवशेष मात्र ही शेष रह गए थे। और वर्तमान में ASI के द्वारा इन मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार कर वापस वही संरचना प्रदान की है जो लगभग 1300 वर्ष पूर्व रही होगी। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी का माना जाता है और इसे हम एक नियति या संयोग ही कहेंगे कि यह क्षेत्र दस्यु क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मूर्तियाँ संरक्षित रह गईं और तस्करों के द्वारा यह मूर्तियों को चोरी नहीं किया जा सका। अगर आपको हमारे द्वारा बटेश्वर मंदिर समूह के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भारत के अन्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों की सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।